हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रिया और आज हम बनाने वाले हैं हेयर स्ट्रेटनिंग वीडियो, जो कि मैं यूज़ करने वाली हूँ सिस्का केराटिन स्मूथ हेयर ब्रश, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने पोस्ट किया है, मेरे प्रोफाइल पे जाकर आप चेक कर सकते हो। फर्स्टली हम करेंगे अपने बालों का पार्टीशन। इसमें से एक पार्ट का मैं छोटा बन बना लूँगी ताकि वो बीच में ना आए स्ट्रेटनिंग करते वक्त, तो उसको पहले मैं अच्छे से फोल्ड करके बन बना लूँगी और उसको एक क्लिप लगा दूँगी। इसको हम क्लिप लगा देंगे। एंड इस पार्ट में से हम एक सेक्शन निकाल लेंगे। देखिए, जैसे मैंने एक सेक्शन निकाल लिया है अपने बालों का पीछे से, और हम बैक साइड से ही स्टार्ट करेंगे स्ट्रेटनिंग करना। एक एक सेक्शन निकालेंगे और सारे बाल स्ट्रेट कर लेंगे, और बाकी बालों का भी मैं बन बना लूँगी और उसको एक क्लिप से सिक्योर कर लूँगी। और इस सेक्शन को अच्छे से कॉम कर लेंगे। तो अब हम लेंगे हमारा स्ट्रेटनर ब्रश, उसको हीटन अप करके स्ट्रेटनिंग स्टार्ट करेंगे। जस्ट हमारे बालों को हमें कॉम करना है और हमारे बाल स्ट्रेट हो जाएंगे। अगर आपके बाल ज़्यादा फ्रिजी है, देन आई हैव अ सजेशन कि आप पहले एलोवेरा जेल अपने बालों पे अप्लाई करें, देन स्ट्रेटनिंग करें, जिससे आपके बाल ज़्यादा डैमेज भी नहीं होंगे और स्मूथ भी लगेंगे। एज यू ऑल कैन सी, मेरे बालों की लेंथ बड़ी है, इसलिए मैंने कैमरा थोड़ा सा पीछे कर लिया है ताकि आप मेरे पूरे बाल देख सकें। एंड अगर आपको भी ये ब्रश ख़रीदना होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये ब्रश की लिंक दे दूंगी। ये है सिस्का का केराटिन स्मूथ हेयर स्ट्रेटनिंग ब्रश। और इस ब्रश के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल चाहिए होगी तो आपको देखना पड़ेगा मेरा पहला वीडियो, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप देख सकते हो डिफरेंस बालों का, हमारे बाल ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो चुके हैं। इस ब्रश का एक और एडवांटेज है जिसके वजह से हमारे बाल स्ट्रेटनिंग करने के बाद ज़्यादा शाइनी दिखते हैं। आप देख सकते हो मेरे बाल में कितनी अच्छी शाइन दिख रही है। अब हम अपने स्ट्रेट हुए बाल दूसरी साइड में रखकर अपना सेकेंड सेक्शन निकालेंगे स्ट्रेटनिंग के लिए। मैंने एक साइड में दो ही सेक्शन लिए हैं क्योंकि मेरे बाल जल्दी स्ट्रेट हो जाते हैं, लेकिन अगर आपके बाल ज़्यादा कर लिए हो तो आप एक एक करके ऐसे 3-4 सेक्शन लेकर ही स्ट्रेटनिंग करिएगा, वो जल्दी भी हो जाएंगे और अच्छे से भी स्ट्रेट हो जाएंगे। इस ब्रश की कूल टिप टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे स्काल्प पे कोई हार्म नहीं हो सकता। सो आप लोग देख सकते हो हमारा हाफ पार्टीशन स्ट्रेट हो चुका है। एंड मैं अब आपको उसका डिफरेंस बताऊंगी, जो कि स्ट्रेटन है और जो नहीं स्ट्रेटन है वो। इस ब्रश का दूसरा एडवांटेज ये है कि बहुत ही नेचुरल लुक आता है, स्ट्रेटनिंग किए हुए बाल बहुत नेचुरल दिखते हैं, शाइनी दिखते हैं, बहुत ही स्मूथ लगते हैं। सो ये है हमारा डिफरेंस स्ट्रेटनिंग करने के बाद। एंड जैसे कि आपको पता है, लड़कियों का मोस्टली मूड अपने बालों के ऊपर ही डिपेंड होता है। हमारे बाल जब अच्छे दिखेंगे वैसे ही हमारा मूड भी होता है, हमारा मूड भी अच्छा हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब मैं लूँगी अपने सेकेंड पार्टीशन का पहला सेक्शन और बाकी के बाल में बन बना दूँगी और उसको क्लिप लगा दूँगी। अब मैं अपने पहले सेक्शन को अच्छे से कॉम कर लूँगी, फिर हम करेंगे स्ट्रेटनिंग। आप देख सकते हो मेरे बालों की शाइन, कितने शाइनी बाल लग रहे हैं हमारे। और एक बात, हमेशा स्ट्रेटनिंग करते वक्त एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपके बालों में तेल ना हो, क्योंकि तेल से आपके बाल जल सकते हैं। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा और अपने कानों का भी ध्यान रखिएगा। और आप देख सकते हो मेरे बालों की शाइन, मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ,
बहुत ही शाइनी बाल दिखता है इस ब्रश से, बिल्कुल भी डैमेज नहीं होते, ड्राई नहीं होते, बिल्कुल नेचुरल स्ट्रेट दिखते हैं। यस फ्रेंड्स, तो अब हमारा दूसरा सेक्शन हम ले लेंगे। अब मैंने अपने बाल खोल दिए हैं, अब उसमें से मैं एक और सेक्शन निकालूंगी एंड दूसरा लास्ट सेक्शन में इसको क्लिप करके रख दूंगी। पहले हम उसको अच्छे से कॉम करेंगे और ऐसे ही वन बाय वन एक एक सेक्शन लेके हम अपने पूरे बालों को स्ट्रेटन कर लेंगे। एंड देयर वी गो, लास्ट सेक्शन हम अच्छे से स्ट्रेट कर लेंगे। ऐसे तो हमारे पूरे बाल स्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन मैं हमेशा आप स्पेशली आगे का सामने का एक सेक्शन लेकर अपने बालों को फिर से स्ट्रेट कर लेती हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से, पहले कॉम करके देन स्ट्रेट कर लेती हूँ। एंड यस, हमारे बाल अब स्ट्रेट हो चुके हैं और आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बिल्कुल नेचुरल लुक आता है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम एंड शाइन आती है। और जैसे कि आप लोगों ने देखा, मेरे नेचुरल बाल बहुत ही ज़्यादा कर्ली है, बट इस ब्रश को यूज़ करने के बाद मेरे बाल बहुत ही नेचुरली स्ट्रेट दिख रहे हैं, बहुत अच्छा वॉल्यूम एंड बहुत सुंदर सी शाइन आ गई है बालों में और मेरे फेस को एक अलग और बहुत अच्छा लुक दे रहे हैं स्ट्रेट बाल। अब आप जैसे चाहो अपने बालों को अच्छे से सेट कर सकते हो, स्टाइल कर सकते हो, बिकॉज स्ट्रेट बाल बहुत ही अच्छे लगते हैं सभी के फेस पर। एंड आप देख सकते हो कितना अच्छा वॉल्यूम आ गया है बालों में। यस, हियर इज माय लास्ट लुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय।